सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कन्नौज, संत कबीर नगर और गोरखपुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी लगभग 360 करोड़ की परियोजनाओं का कर सकते हैं लोकार्पण और शिलान्यास। दिवंगत पूर्व एमएलए बनवारी लाल के भी घर जाएंगे, वहीं साथ में सामूहिक विवाह समारोह में होंगे शामिल। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पूजा जारी रहेगी, 6 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। अखिलेश यादव का आज गोंडा दौरा, सपा जिला अध्यक्ष अर्शद की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत। आज हेलीकॉप्टर से चलकर जमुनिया बाग पहुंचेंगे अखिलेश। वक्फ मस्जिद फैजाबाद कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ जांच, वक्फ संपत्ति पर बिना अनुमति दुकान अपार्टमेंट में धन उगाही की शिकायत। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जैदी ने जारी किए जांच के आदेश, कमेटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने 6 महीने का कार्यवास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2012 में आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज हुआ था केस। आगरा में पुलिस ने पकड़ा फर्जी इंस्पेक्टर, टेम्पो चालकों से कर रहा था अवैध वसूली, वर्दी पहनकर लोगों को दिखा रहा था भय। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला जज का शव, सरकारी आवास में शव मिलने से मचा हड़कंप। बदायूं न्यायालय में तैनात थी जज ज्योत्सना रॉय, मौके पर पहुंचे एसएसपी और थाना पुलिस। लखनऊ के मलियाबाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मलियाबाद इलाका। जमीन में पैमाइश के दौरान चली गोलियां, वहीं दंपत्ति और बेटे की हुई मौत। यूपी में 3 IAS अफसरों के ट्रांसफर पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन बनाए गए, वहीं अर्चना गहरवार KGMU की नई रजिस्ट्रार बनी और दिव्या मित्तल CEO यूपी ग्रामीण सड़क बनाई गई। प्रदेश में आज और कल आंधी पानी की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने की भी संभावना, कई जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।